इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 के पहले पांच क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने देखा कि हमने दो फार्मूलाज को यूज़ किए हैं जो कि हैं सम ऑफ सीरीज के। पहला फार्मूला जो हमने यूज़ किया वो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। दूसरा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया वो था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ सीरीज़ के ये फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट्स के ये क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है इफ एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन माइनस वन देन फाइंड दिस सीरीज। हमने सीरीज को फाइंड करना है जिसका सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो हमारे पास दिया गया है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन माइनस वन। अब अगर हम एन की जगह पे वन पुट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस सीरीज की पहली टर्म का सम है या उसकी पहली टर्म है। एन की जगह पे हम यहाँ पे वन पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वन इंटू टू इंटू वन माइनस वन विच इज वन। अगर हम एस टू फाइंड करें तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम है। तो एन की जगह पे हम टू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू माइनस वन जो कि हो जाएगा टू इंटू फोर माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू थ्री सिक्स। कि जो हमारे पास ए वन है वो तो हमारे पास आ गई वन कहाँ से, जब हमने एस वन फाइंड फाइंड किया यानी कि पहले टर्म का सम। और जब हमने एस टू फाइंड किया तो इसका मतलब है कि ए वन प्लस ए टू जो है वो हमारे पास सिक्स है। तो यहाँ से हम ए टू भी फाइंड कर सकते हैं कि ए टू इज फाइव। सिक्स माइनस ए वन, ए वन हमारे पास जो है वो वन है, तो यहाँ से हमने ए टू फाइंड कर ली। अब ए वन हमारे पास फर्स्ट टर्म वन है, सेकेंड टर्म फाइव है। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं डी विच इज इक्वल टू फाइव माइनस वन विच इज फोर।